गुड मॉर्निंग क्लास बच्चे, आज असी नेक्स्ट करांगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। सो बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो नाल ही तुहाडे एक सिलेंडर एच हाइट का और एक कोन एच हाइट का जिन्हां दा रेडियस सेम है और हाइट सेम है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन लिया गया। तो ये असी की प्रूफ करांगे, किवें आपां रिलेट कर सकते हैं, किस तरीके दे नाल असी फाइंड कर सकते हैं कि एक कोन दा जिहड़ा वॉल्यूम होंदा उह किन्ना होएगा राइट सर्कुलर कोन दा। तो पहलां आपां एक होलो सिलेंडर लिता और एक होलो कोन लिता और कोन दे विच पानी भर भर के सेम रेडियस से पानी भर भर के पूरा कोन और आपां सिलेंडर नूं भरना। तो तुसी ध्यान करोगे, नोट करोगे कि तीन वारी कोन नूं भरन दे नाल एक सिलेंडर पूरा भर जांदा और सानूं पता है कि पाई आर स्क्यूअर एच जिहड़ा हुंदा वॉल्यूम हुंदा सिलेंडर दा, ठीक है। तो इट मीनस तीन वारी तीन कोन भर के पानी दे पान दे नाल एक सिलेंडर पूरा भर जांदा। तो यह एक्टिविटी तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है, क्लीयर हो जाता है कि जिहड़ा कोन आएगा उहदा जिहड़ा वॉल्यूम है वह थर्ड हिस्सा थर्ड पार्ट होएगा कंपेरेटिवली सिलेंडर दे वॉल्यूम दे। तो 1/3 लिखा है, सो 1/3 पाई आर स्क्यूअर एच जिहड़ा आएगा साढ़े कोल तीजा हिस्सा वॉल्यूम कि सिलेंडर दे वॉल्यूम का तीजा हिस्सा 1/3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्यूअर एच, ठीक है बच्चे। सो यह तुम याद रखना, ये एक्सोस जी एक्सरसाइज है क्वेश्चन ने वो बहुत ही ईजी ने। कोन के बच्चे फिर एक बार याद करा, एल नूं असीं बोलते हैं सलांट हाइट, एच होंदी उहदी वर्टिकल हाइट और आर हुंदा उहदा रेडियस। यह तीन टर्म्स आपां यूज़ करते हैं उहदे विच। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, फाइंड द हाइट एंड द सलांट हाइट ऑफ ए कोन 20 cm द हाइट दी है 20 और सलांट हाइट दी है 28 रिस्पैक्टिवली द वॉल्यूम ऑफ कोन। सो दोनों चीज़ा साढ़े कोल हैगियां ने, तो इहदे विच साढ़े कोल देखो आर आपां निकाल सकते हैं ईजली, जो अपने को हाइट और सलांट हाइट दी फार्मूला ए होंगे पाइथागोरस लगा के। तो आर साढ़े को आ गया 7/2 × 7। तो बच्चे कुछ नहीं किया, ये असी जस्ट वैल्यू फिल कर देती हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करना तुहाडा काम, और इस तरीके 7546 तुहाडे कोल आ गया क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर आंसर वॉल्यूम आ गया। नैक्सट क्वेश्चन है, मोनिका हैज़ ए पीस ऑफ कनवास हुज एरिया इज इन्नी, और को कनवास पई हुई है, एक शीट पई हुई है 551 स्क्वेयर मीटर, ही यूज इट टू हैव ए कॉनिकल टेंट, उन्हें कॉनिकल टेंट बनाना है, बेस उसका दिता है रेडियस 7 मीटर, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इंक्रीज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1, तो इन्ना जरा कपड़ा वा कनवास का वो वेस्ट हो जाता 1 square meter। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड, ठीक है। तो बहुत ही इंट्रस्टिंग क्वेश्चन है, देखो सब तो पहले तो एरिया तुम दिता बच्चे 551 एरिया ऑफ कनवास हैज़ लॉस्ट इन, देखो इन्ना लॉस्ट हो जाता कपड़ा 1 square meter लॉस्ट हो जाता, तो इट मीनस आप माइनस कर देंगे कि बन गया 550 जरा लॉस्ट हो जाना वेस्ट हो जाना आप बार करता। तो ना उस सरफेस एरिया साढ़े को इन्ना आ गया, ठीक है। तो टेंट का जो बेस है रेडियस वो किन्ना 7 दिता हुआ, तो इतों आप डायरैक्टली पाई आर एल लगा के एल पाई आर एल लगा के आप एल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पाई आर एल की होंगे बच्चे, होंगे सरफेस एरिया, तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगाता, ठीक है। पाई आर एल का फॉर्मूला लगा के तो एल की वैल्यू निकाल ली, सो एल की वैल्यू तुहाडे कोल आ गई 25। हुण जे एल की वैल्यू आ गई है तो तुहाडे कोल डेफिनेटली एच की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू ऑलरेडी तुहाडे कोल हैगी है, ठीक है। वह फॉर्मूला आप फिट कर दिता पाइथागोरस, सोचो आप एल की वैल्यू एच की वैल्यू निकाल ली, जो एच की वैल्यू निकाल ली हूँ साढ़े कोल
आर की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू भी आ गई, उन्होंने आप 1/3 पाई आर स्क्वेयर फिल कर दिता। तो 1232 रुपए 1232 क्यूबिक मीटर तुहाडे कोल की आएगा, वह वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो नैक्सट क्वेश्चन, नैक्सट एक्सरसाइज 13.7 अज शुरू कर रहे हैं असी। तो ध्यान दो किस तरह कहना करनी है, मैं सोल्यूशन दिखा रहा तुहानू उहदे, देख लो बच्चे। फस्ट क्वेश्चन की कह रहा है, फस्ट क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। फस्ट की दिता, रेडियस दिता और हाइट दी हुई है। जो तुहाडे कोल बच्चे रेडियस एंड हाइट पई हुई है तो तुसीं सीधा ही फॉर्मूला लगाना, सीधा ही 1/3 पाई आर स्क्यूअर एच, आर की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, तो तुहाडे कोल आ गया 264। उस तो बाद आ गया रेडियस दिता है, फिर हाइट दी है, फिर सेम उही फॉर्मूला लगाना आपां। तो पहला क्वेश्चन तुहानू कोई मुश्किल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कोई औखा नहीं गा। देखो द कपैसिटी लीटर्स ऑफ कॉनिकल वैजल दिती है। देखो फाइंड आप निकालनी है कपैसिटी, आप निकालनी है कपैसिटी मीनस तुम वॉल्यूम निकालना। तो रेडियस 7 दिता, हाइट 25 दिती है। जस्ट देखो रेडियस हाइट है, इतों तुम सलांट हाइट दिती है ना तुम, इस करके तुम हाइट कढ़नी पहला। तो पाइथागोरस लगा के आप हाइट कढ़ लेंगे, वो कितनी आ गई 24 आ गई, वैल्यू फिल की और आ गया। ठीक है, हुण बच्चे देखो जो दूजा क्वेश्चन उस आर आप लभना पैना, वह भी आप पाइथागोरस नाल लभांगे, आप आर लभना पैना। देखो नैक्सट क्वेश्चन के इन उन्हें आर आर लभ्या होगा, देखो आ फॉर्मूला लगा के आर, क्योंकि हाइट और सलांट हाइट दी हुई है। तो 5 साढ़े को आ गया रेडियस आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू फिल करके साढ़े को आ गया कपैसिटी। देखो कपैसिटी करनी है ना, इस करके आप वॉल्यूम जो आप निकाल लेंगे। ठीक है, कपैसिटी वास्ते की करना, तो आप वॉल्यूम निकाल लिया, सानू पता वा कि 1 लीटर के 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होंगे है, तो उन्हें चीज़ ने आप डिवाइड कर लिया, क्योंकि आप 1000 क्यूबिक ने आप डिवाइड कर देंगे, तो साढ़े को लीटर्स के आ जाएगी कपैसिटी, आ जाएगी किन्ने लीटर पानी आप पा सकते हैं। ठीक है, बस यह फॉर्मूला याद करना है एंड इक्वेशन, सॉरी 1 लीटर के 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर साढ़े को पानी आ सकता है। उस तो बाद क्वेश्चन 3 द हाइट ऑफ ए कौन, हाइट दिती तुहानू कौन की, वॉल्यूम भी दिता, डायमीटर तुसी निकालना है, फाइंड द डायमीटर। तो डेफिनेटली आप सीधे फॉर्मूला लाओगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि आपको यही दिता है 1570 यही दिता है, तो ये असी आर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कोई औखा नहीं गा, सीधी सिंपल जी कैलकुलेशन है, कटिंग ध्यान ना करनी है, कटिंग हो जानी है तुहाडी, क्योंकि 3 दी टेबल दे उत्ते 15 कटे ना 5 दे उत्ते, बाकी मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल आ जाना और तुहाडा काम खत्म हो जाना। इत्थे उस तो बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4 इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कल कौन इज 9, वॉल्यूम दिता तुहानू 48 पाई। हुण देखो पाई तुहानू तुसी आंसर च तुहानू पाई चाहिए गा, ठीक है ना, 48 पाई चाहिए गा, तो पाई नू कटना नहीं गा। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, पाई नू कटन दा मतलब कि पाई तुहानू आंसर च नहीं मतलब कि एक्चुअली दिता होया, तो पाई की कैलकुलेशन 22/7 लिखन की लोड़ नहीं गी, वो पाई सीधा तुहाडा कैंसल हो जाएगा। मैं आई मीन टू से दिस, ओके। सो कौन आ गया, हाइट आ गई, रेडियस आप ले लिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच लगा के आ लगा। हूँ पको पाई ना पाई कटा जाना, मानना पाई ना पाई दोनों साइड से कटा जाना, आर की वैल्यू तुहाडे कोल 12 आ जानी, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो डायमीटर कितना होएगा डबल 8 हो जाएगा, बस काम खत्म। नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इज 3.5 एंड डीप कितना, डीप ओही डीप तो यही ध्यान रखना तुम्हें वो हाइट दी है। ठीक है, 15 मीटर, तो कपैसिटी किलोमीटर आप दसनी है, वट इज़ द कपैसिटी इन किलोमीटर, किलो लीटर। तो पहले रेडियस पिट अपने को आ गई, वह हाफ करता अपना जिन्ना 1.75, तो हाइट दी अपन 12 मीटर, ओके। आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा के साथ कि आ गया वॉल्यूम 38.5, तो आप किलो लीटर निकालना है, किलो लीटर वास्ते आप करा इनू जस्ट 1 ना मल्टीप्लाई करता तो आंसर आ गया तुहाडे कोल किलो लीटर। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आ गया साढ़े कोल द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कितना दिता, 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28। तो पहला अपना क्वेश्चन की है हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन निकालने वास्ते बहुत ईजी काम,
सब तो पहले तो आप बी निकाल लेंगे, सानू दिता हो ना आप एच निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे क्योंकि अपने को रेडियस दिता हो, डायमीटर दिता तो रेडियस अपन निकाल लिया, उस तो बाद वॉल्यूम दिता तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता। अगर वॉल्यूम तुम दिता हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहता 1/3 πr² एच, तो उन्होंने इक्वल करता 1/3 πr² एच में वैल्यू पुट की, इतों एच की वैल्यू निकल आई कि आ गई 48 आ गई साढ़े को एच की वैल्यू। ठीक है, यही उन्हें पूछा सी। उस तो बाद सलांट हाइट, दूजा क्वेश्चन की है, दूजा कहते सलांट हाइट ऑफ द कोण की आएगी, तो सलांट हाइट वास्ते आप वही पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे, आर और एच साढ़े को है ही, वो 50 आ गया। एंड तेगा कर्व सरफेस एरिया, वो कहता πr² हूँ, तो πr² सारिया वैल्यू तो है को साढ़े को आर की वैल्यू भी और एल की वैल्यू फिट की और आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, इन्ना ही काफ़ी हले, बाकी गल करा क्वेश्चन 6 तक आप 13.7 6 क्वेश्चन करने। थैंक यू वेरी मच।